हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रजा और मैं लेके आई हूं एक नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स। तो हमें पता है भाई, एलोवेरा जेल आजकल इतना फेमस हो गया है, चाहे वो कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक हो या फिर घर की ही क्यों ना बात कर लें। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल के ब्यूटी हैक्स और कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल पहली बार खोला है तो आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। रेड कलर का बटन है जस्ट वीडियो के नीचे, यू हैव टू क्लिक दैट बटन। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो उसके बगल में जो बेल है घंटा बजा देना, पक्का मिल जाएगा, पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हम एलोवेरा जेल से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल के बारे में बात करूंगी। तो मार्केट में जो एलोवेरा जेल है, बहुत तरीके के अवेलेबल हैं। यू हैव टू चूज द बेस्ट वन फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर और फॉर योर हेल्थ टाइप। तो मैं कहूंगी कि अगर आप एलोवेरा जेल यूज ही करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट ट्राई द प्लांट ऑफ एलोवेरा जेल। आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, आजकल सभी घरों में होता है। तो इट्स बेस्ट कि आप अपने घर पे एलोवेरा जेल का प्लांट रखें और वो प्योर फॉर्म में नेचुरल आपको मिलेगा, उसमें कोई भी केमिकल या कुछ भी नहीं होगा। तो दैट विल बी इन द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, आप उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। और इवन आप उसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं और 10 से 15 दिन तक उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना एक अच्छे से एलोवेरा जेल में, तो आई वुड सजेस्ट कि हमेशा ऐसे एलोवेरा जेल को चूज करें जिसमें सबसे ज्यादा कंटेंट एलोवेरा जेल का हो और जो भी अदर केमिकल्स हैं उनका अमाउंट बहुत कम हो। कुछ आप ट्राई कर सकते हैं इस ब्रांड को भी, दिस इज द मोस्ट फेमस अमंग ब्यूटी ब्लॉगर्स और ये बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में एलोवेरा कंटेन करता है। तो आप इस ब्रांड को ट्राई कर सकते हैं एंड इट हैज 99% एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इन इट। प्योर व्हाइट और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है। बाकी ये सारे जो एलोवेरा जेल आते हैं, इनमें कुछ ना कुछ कलर एक्सट्रैक्ट या फ्रेग्रेंस की वजह से इनका जो नेचुरल कलर होता है वो खो जाता है कहीं ना कहीं। आई विल शो यू दिस वन विच आई हैव विद मी। तो दिस इज द नेचर एसेंस एलोवेरा जेल। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में है, ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी प्योर एलोवेरा जेल होगा वो ग्रीन कलर का नहीं होगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी विच यू विल गेट। तो ये है वो एलोवेरा जेल। तो ठीक है, ये सारी हो गई बातें एलोवेरा जेल के बारे में। अभी स्टार्ट करते हैं हम बेनिफिट्स के बारे में एलोवेरा जेल के। तो जो सबसे पहला ब्यूटी हैक है एलोवेरा जेल का मेरी तरफ से, वो ये है कि आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और आप किसी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर में नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई एलोवेरा जेल। ये बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर का काम करता है। आप एक बार मॉर्निंग में आफ्टर बाथिंग या फेस क्लिंजिंग के बाद आप इसे अप्लाई कीजिए और दिन भर आपके फेस पे हाइड्रेशन रहेगा, आपको अलग से किसी भी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेनिफिट ऑफ एलोवेरा जेल, आप एलोवेरा जेल को सनबर्न में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आफ्टर सनबर्न उनकी स्किन जो होती है वो रेड हो जाती है, तो जो इचीनेस होती है और जो रेडनेस होती है उसको गायब करने के लिए भी आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस एक एलोवेरा जेल का अच्छा सा कोट करना है, आपको जिस भी एक्सपोज्ड पोर्शन पे आपको सनबर्न हुआ है, इरिटेशन हुई है, आप उस स्किन पे आपको रब करना है एलोवेरा जेल को और कुछ देर के लिए छोड़ देना है एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ और आपको इरिटेशन और जो भी रैशेज हुए होंगे वो प्योरली गायब हो जाएंगे। तो दिस इज माय सेकंड ब्यूटी हैक। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड ब्यूटी हैक ऑफ एलोवेरा जेल, आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल एज अ मेकअप प्राइमर भी कर सकते हैं। तो वी ऑल नो कि प्राइमर बहुत जरूरी होता है हमारे मेकअप में। प्राइमर हमारे फेस के जो पोर्स होता है उनको फिल कर देता है और उन पोर्स के अंदर उन केमिकल्स को नहीं जाने देता है जो फाउंडेशन में, कंसीलर में, इन सब चीजों में पाए जाते हैं। तो बेटर कि आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें एज अ प्राइमर, क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, प्योरली हर्बल है। अगर आपके पोर्स में जाता भी है तो वो किसी तरह से आपके फेस को नुकसान नहीं करेगा। तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल एज अ फेस प्राइमर भी कर सकते हैं और ये आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखेगा एंड आपका फाउंडेशन जो होगा बहुत ही स्मूथली आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये था मेरा थर्ड ब्यूटी हैक। नाउ मूविंग ऑन टू माय फोर्थ ब्यूटी हैक, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आप फॉर शेविंग भी कर सकते हैं। अगर आप शेविंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत क्लीन शेव हो, आपको थोड़ा सा भी रैशेज ना हो और जो छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं वो दिखाई ना दें, एकदम से आपकी स्मूथ शेविंग हो, तो आप
एलोवेरा जेल को अपने शेविंग पोर्शन पे स्किन पे लगाइए और आपको बस अपने रेजर से उसको स्मूथली ग्लाइड ऑन करना है. आपके हेयर्स अच्छे से रिमूव हो जाएंगे विदाउट एनी रैशेस और आपको फर्दर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो एलोवेरा जेल आपकी इरिटेटेड स्किन को कहीं ना कहीं काम भी करता है और जो रेडनेस आफ्टर रेजर यूज करने के बाद होती है उसे भी कवर करता है. तो आप इसे वाइल्ड शेविंग भी यूज कर सकते हैं. ये मेल और फीमेल्स दोनों पे अप्लाई होता है. एनीवन कैन चूज. तो ये थे हमारे चार बेनिफिट्स एलोवेरा जेल के. नाउ पांचवा बेनिफिट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सबसे अमेजिंग बेनिफिट है और आई हैव ट्राइड एंड इट वर्क्स रियली ऑसम ऑन मी. तो आई गेस कि आपके ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा. तो मेरी तरफ से एलोवेरा जेल को आप एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स इट वर्क्स परफेक्टली ऑन रिमूविंग मेकअप. तो आपने बहुत सारा मेकअप अप्लाई कर रखा है एंड देन यू नीड अ मेकअप रिमूवर वाइप और आइदर मेकअप रिमूवर आपको चाहिए होता है या आप किसी भी ब्यूटी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट आई हैव ट्राइड एलोवेरा जेल ऑल्सो फॉर रिमूविंग माई मेकअप और बहुत आसानी से कैसा भी आपका मेकअप हो ये रिमूव कर देता है. यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ इट और आपको अपने फेस पे अच्छे से मसाज करनी है. आपका आई मेकअप हो फेस मेकअप हो या लिप्स पे लिपस्टिक हो आप अच्छे से जेंटली मसाज कीजिए 2 or 3 minutes के लिए एंड देन यू कैन वाइप इट ऑफ और उसके बाद आपका जो मेकअप होगा वो पूरी तरह से क्लेंज हो जाता है और ये आपके फेस को हाइड्रेट भी करता है मॉइस्चराइज भी करता है. ड्राइनेस नहीं फील होगी जैसा कि मेकअप रिमूवर्स को यूज करने के बाद अक्सर होता है ना ही किसी तरह का इरिटेशन होगा. तो आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है किसी भी मेकअप रिमूवर में. तो फ्रॉम माई साइड यू कैन यूज एलोवेरा जेल एज अ मेकअप रिमूवर ऑल्सो. Now moving on to the 6th beauty hack of aloe vera gel. आप aloe vera gel का इस्तेमाल as a face mask भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके wrinkles, fine lines ये सब ना हो, आपके pimple marks, blemishes, pigmentation ये सब गायब हो जाए. लेकिन एक दिन में नहीं ऑब्वियसली. तो आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको कुछ देर के लिए अपने फेस पे एलोवेरा जेल की एक मोटी सी लेयर लगा के रखनी है एंड देन यू हैव टू जस्ट टेक अ रेस्ट फॉर 15 to 20 minutes एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ विद ल्यूकवॉर्म वाटर एंड देन दैट्स इट. ये आपका धीरे धीरे हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, इवन ब्लेमिशेस को भी कम करने में हेल्प करता है. तो इससे आपकी स्किन जो होती है वो काफी ग्लोई होती है एंड आपके फाइन लाइन्स, रिंकल यानी एजिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी धीरे धीरे चली जाती है. तो ये था मेरा 6th बेनिफिट ऑफ एलोवेरा जेल एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ एलोवेरा जेल फ्रॉम माई साइड दैट इज माई 7th बेनिफिट ऑफ एलोवेरा जेल इज दैट कि आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल एज अ हेयर सीरम भी कर सकते हैं. अगर आपके हेयर बहुत फ्रीजी, बहुत उड़े उड़े से रहते हैं, मुझे पता है शैम्पू करने के बाद अक्सर हम गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि हमारे बाल जो होते हैं वो काफी इधर उधर अनमैनेजेबल हो जाते हैं. तो मैनेजेबल लगे, फ्रिज फ्री लगे एंड थोड़ा बहुत शाइन उनमें आ जाए इसके लिए आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू हैव टू टेक एलोवेरा जेल ऑन योर पाम, रब कीजिए और देन अपने हेयर लेंथ पे उसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए एंड ट्रस्ट मी आप एकदम से चेंज देखेंगे. आपके हेयर जो होंगे उनकी फ्रीजीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बहुत सिल्की स्मूथ सॉफ्ट हो जाएंगे. इस तरह से आप एलोवेरा जेल को एज अ हेयर सीरम भी यूज कर सकते हैं और आपको किसी हेयर सीरम में अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हेयर सीरम्स में तो अगर आप चाहें तो आप एलोवेरा जेल को एज अ हेयर सीरम भी यूज कर सकते हैं और बाहर के हेयर सीरम से बच सकते हैं. सो या गर्ल्स दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा जेल फ्रॉम माय साइड. देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स. इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एलोवेरा जेल के. आई नो मैंने बहुत सारे मिस भी किए होंगे और हो सकता है आपको पता हो. तो इफ यू नो एनी अदर बेनिफिट ऑफ एलोवेरा जेल डोंट फॉरगेट टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझे वहां पे बता सकते हैं और मुझे भी पता चलेगा कि और किस तरीके से मैं एलोवेरा जेल को यूज कर सकती हूँ. सो या गर्ल्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो जरा से भी तो कमेंट करना मत भूलेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. सो या गर्ल्स टिल माय नेक्स्ट वीडियो यू आर गर्ल्स कीप ऑन वॉचिंग एंड रॉकिंग. टिल देन बाय बाय.